नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में। आज 11 जनवरी है। अगर हम पिछले सप्ताह इस साप्ताहिक परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य है पिछले सप्ताह में जो मौसम रहा उसका विवरण प्राप्त करना। इसके अलावा आने वाले 2 सप्ताह में मौसम कैसा रहने वाला उसकी जानकारी साझा करना है। अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो पिछले सप्ताह मुख्य रूप से घना कोहरा उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला। मुख्य पॉइंट वही है, पूरे सप्ताह घना कोहरा देखने को मिलता रहा। और दूसरा पॉइंट ये रहा कि उत्तर पश्चिम भारत में कोल्ड डे से सीवर कोल्ड डे की कंडीशंस सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में देखने को मिली, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि शामिल हैं। और इसके अलावा वर्षा का जोन जो है 2 जगह रहा है, पहला मध्य भारत और उससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत है जिसमें बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश शामिल हैं। और इसके अलावा दूसरा वर्षा का जोन तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्र जिसमें केरला, लक्षद्वीप और कर्नाटक आदि शामिल हैं वहाँ पर रहा है। तो ये 3 हाइलाइट्स हैं, पहला घना कोहरा, दूसरा कोल्ड डे से सीवर कोल्ड डे की स्थितियाँ और तीसरा वर्षा। तो अगर इसी क्रम में हम पिछले सप्ताह सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास मुख्य रूप से 2 पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिले, जो कि एक पहला 4 से 7 जनवरी के बीच में, दूसरा 7 से 10 जनवरी के बीच में। इसके अलावा एक ट्रफ ईस्टर्ली में था जो कि गुजरात से लेकर के हरियाणा के क्षेत्र तक जा रहा था। और इसके अलावा एक ट्रफ और थी जो कि अरब सागर में, जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की, यहाँ पे एक साइक्लोन सर्कुलेशन था लक्षद्वीप और से सटा हुआ जो क्षेत्र था वहाँ से लेकर के दक्षिणी गुजरात तक। इसके अलावा एक ट्रफ जो है 5 से 8 जनवरी के बीच में श्रीलंका के दक्षिणी छोर से लेकर के तटीय आंध्र प्रदेश के दक्षिणी छोर तक देखने को मिलती रही 5 से 8 जनवरी के बीच में। इसके अलावा 9 से 10 जनवरी के बीच में इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है उसमें भी एक साइक्लोन सर्कुलेशन मिला। इसके अलावा तमिलनाडु पे पूर्वोत्तर से हवाएं भी आती रहीं जिससे तमिलनाडु आदि के क्षेत्रों को मॉइस्चर लगातार नमी मिलती रही, जिसकी वजह से तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के क्षेत्रों को ठीक ठाक वर्षा पिछले सप्ताह देखने को मिल गई है। अगर अभी हम पश्चिम विक्षोभ की बात करें तो पश्चिम विक्षोभ आज हमें 55 डिग्री ईस्ट के आसपास देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो ये ट्रफिन ईस्टर्लीज थी इनकी वजह से मॉइस्चर मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों को थोड़ा बहुत मिला, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी वर्षा देखने को मिली, जैसा कि हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फॉग की बात करें तो जैसा कि हमने अभी बताया, हमने सैटेलाइट की इमेज भी 4 से लेकर के 10 जनवरी के बीच की लगाई है। आप देख सकते हैं कि पूरे ही उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्यों में, खासतौर से मेघालय और मिजोरम त्रिपुरा में, और इसके साथ साथ उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, इसके आदि क्षेत्रों में, पूर्वी भारत में, मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में, खासतौर से उत्तरी मध्य प्रदेश में घना कोहरा देखने को मिलता रहा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तरी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और छोटपोट जगहों पर जम्मू कश्मीर, खासतौर से जम्मू डिवीजन और उत्तराखंड में भी घना कोहरा देखने को मिला। 5 तारीख में हिमाचल प्रदेश में भी घना कोहरा देखने को मिला। हमने दिनांक के हिसाब से, कलर के हिसाब से यहाँ पर गोले लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में घना कोहरा छाया रहा। अगर हम सैटेलाइट की दृष्टि से देखें तो सैटेलाइट में आप देख सकते हैं 4 से लेकर के 10 तक लगातार जो है रात्रि और सुबह के समय पर घना कोहरे की लेयर, हमने ये सुबह 8:30 बजे की इमेजेस लगाई हैं 4 से लेकर के 10 जनवरी के बीच में। आप देख सकते हैं कि घने कोहरे की लेयर लगातार देखने को इन सब क्षेत्रों में, जैसा कि हमने बताया, देखने को मिलती रही। अगर हम आज के कोहरे की बात करें, कोहरे की स्थिति को देखें, तो अभी भी एक लेयर जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों से जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में छोट-छोट जगहों पर कोहरे की लाइन देखने को मिल रही है। अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा में सुबह के समय पर 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई। इसके अलावा बाकी के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं फुर्सतगंज, लखनऊ आदि में भी कल जो है आज सुबह के टाइम पर घना कोहरा देखने को मिला। अगर हम रेनफॉल की बात करें, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, जो हमारा ये पहला जोन था हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, हालांकि भारी वर्षा देखने को नहीं मिली। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उससे सटा हुआ जो झारखंड का क्षेत्र, वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिली। और 10 तारीख को उत्तरी मध्य प्रदेश में भिंड और ग्वालियर में ओलावृष्टि की भी होने की सूचनाएँ हैं। इसके अलावा अगर दूसरा जोन हम देखें तो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक आदि शामिल है, लक्षद्वीप आदि शामिल है, वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ स्थानों पर, और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल तमिलनाडु, दक्षिणी तमिलनाडु में सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में और केरला और लक्षद्वीप और कर्नाटक में भी एक दो दिन में भारी वर्षा मिली है। अगर भारी वर्षा के दिनांक के हिसाब से देखें तो हमने यहाँ पर दिनांक के हिसाब से सिंबल्स लगाए हैं। 5 तारीख में केरला और लक्षद्वीप के साथ साथ दक्षिणी तमिलनाडु में भारी वर्षा है। 6 तारीख को केरला और तमिलनाडु में भारी वर्षा मिली। 7 तारीख को तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में, 8 तारीख में तमिलनाडु में
और 9 तारीख में तमिलनाडु में और 10 तारीख को भी तमिलनाडु में भारी वर्षा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल देखने को मिली। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि पिछले सप्ताह मुख्य रूप से मध्य भारत, उससे सटा हुआ पूर्वी भारत, दक्षिण प्रांतीय भारत और महाराष्ट्र में भी, खासतौर से मध्य महाराष्ट्र, उसके साथ साथ जो कोंकण का क्षेत्र है, गोवा का क्षेत्र, वहाँ पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं पिछले सप्ताह की वर्षा की बात करें तो डिपार्चर के हिसाब से जो विचलन होता है उसके हिसाब से ज़्यादा लार्ज एक्सिस कैटेगरी में हमें मिले हैं 13 सब डिविजन्स में, एक्सिस कैटेगरी में 2 और नॉर्मल कैटेगरी में कोई भी नहीं मिला, डिफिशियंट में 3 और लार्ज डिफिशियंट में 8 और नॉर्मल में 10 सब डिविजन में देखने को मिला। जो गाढ़े नीले और हल्के नीले रंग से जो दर्शा रहे वो लार्ज एक्सिस और एक्सिस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो पीले और लाल रंग से वो डिफिशियंट और लार्ज डिफिशियंट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी की वर्षा की बात करें, कमोबेश वैसी ही स्थिति, जो ये आपका पश्चिमी तट, इसके अलावा दक्षिण प्रांतीय भारत के क्षेत्र जिसमें रायलसीमा, इसके अलावा तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, लक्षद्वीप आदि शामिल है, वहाँ पर लार्ज एक्सिस कैटेगरी में वर्षा देखने को मिली। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी लार्ज एक्सिस कैटेगरी में वर्षा देखने को मिली। अगर हम ओवरऑल बात करें, पिछले सप्ताह भारत में 31% एक्सिस कैटेगरी और इसके अलावा 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में -10%। अगर हम आने वाले 5 दिनों में फॉग बांधने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मुख्य रूप से कल सुबह, इसके साथ साथ 13 तारीख को भी घने से अधिक घना कोहरा, उसके बाद घने कोहरे की लेयर छाए रहने की संभावना है, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्य में जिसमें मेघालय और मिजोरम त्रिपुरा आदि शामिल हैं। अगर हम कोल्ड वेव की बात करें तो कोल्ड वेव आने वाले 2 से 3 दिनों तक राजस्थान में स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, खासतौर से सीकर और जो चुरू का क्षेत्र है वहां पर टेम्परेचर 4 डिग्री से कम और बने रहने की संभावना है। अगर हम कोल्ड डे की बात करें तो कोल्ड डे आज शाम को ऑलरेडी दर्ज हो गए हैं उत्तर पश्चिम भारत के, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि शामिल हैं। अगर ओवरऑल देखें तो 11 और 12 तारीख को पंजाब और हरियाणा में कोल्ड डे से सीवर कोल्ड डे की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तराखंड में भी आज और कल 11 और 12 तारीख को कोल्ड डे की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं और पश्चिमी राजस्थान में आज कोल्ड डे की स्थितियां थीं, इसके बाद में थोड़ी सी राहत मिलने की कोल्ड डे में संभावना है। हालांकि पंजाब में 5ों ही दिन कोल्ड डे से सीवर कोल्ड डे की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर आप देख सकते हैं वीक 1 में सामान्य से 2 से 4 और कहीं कहीं 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल, सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अगर हम वीक 2 की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि में भी टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से सामान्य ही रहने की, 0 से 2 डिग्री विचलन के साथ रहने की संभावना है। और जो उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्य, वहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से थोड़ा सा नीचे, 0 से -2 डिग्री सेल्सियस के डिपार्चर में रहने की संभावना है कोल्ड डे के लिए, जैसा कि हमने पहले ही ऑलरेडी बताया है। इसके अलावा एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट की बात करें आपकी वर्षा मिनिमम टेम्परेचर की, तो मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो आने वाले जो हमारा मध्य और जो पूर्वी भारत है वहाँ पर फर्स्ट वीक के शुरुआत में आपका टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा सकती है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की, उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। और मिनिमम टेम्परेचर वीक 2 की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है या तो नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़े से कम बने रहने की संभावना है ज़्यादातर भारत के हिस्सों में। अगर कोल्ड वेव की स्थिति की बात करें, जैसे कि हम शुरुआत में भी बताया है, कोल्ड वेव की स्थितियां जो है राजस्थान में आने वाले 2 से 3 दिनों तक देखने को मिल सकती हैं, इसलिए वीक 1 में जो है मॉडरेट से हाई प्रोबेबिलिटी है हमारा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में कोल्ड वेव की स्थितियों को लेकर करें। और जो वीक 2 में है वो मॉडरेट स्थितियाँ दिखाती हैं कि वीक 2 में उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा में कोल्ड वेव की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। अगर हम साइक्लोजेंसिस की आउटलुक की बात करें तो आने वाले 2 सप्ताह में कोई साइक्लोजेंसिस या डिप्रेशन या उससे मजबूत सिस्टम बनने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। अगर हम डेंस फॉग की बात करें, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि आने वाले 5 से 6 दिनों तक डेंस फॉग जो है उत्तर पश्चिम, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, बने रहने की संभावना है। आज शुरुआत में आने वाले 2 दिनों तक डेंस टू वेरी डेंस फॉग, उसके बाद डेंस फॉग की स्थितियाँ खासतौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलती रहेंगी। अगर हम वीक 2 की बात करें तो वीक 2 में
डेंस फॉग की स्थितियाँ इक्का दुक्का पॉकेट्स में देखने को मिलती रहने की संभावना है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर दिनों में। और इसके अलावा अगर हम रेनफॉल की बात करें तो आगे अभी हमारे पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, जिसके प्रभाव में जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 12 और 13 तारीख को हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 12 और 13 तारीख को हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। उसके बाद एक अगला पश्चिमी विक्षोभ जो है प्रभावित कर सकता है 16 जनवरी से, उसके प्रभाव में वेस्टर्न रीजन में 16 और 17 तारीख को, यानी कि 16 और 17 तारीख को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा पहले सप्ताह में देखने को मिल सकती है। और वीक टू में अगर हम बात करें तो कोई खास पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करने की संभावना नहीं दिखाई देती है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो वर्षा का परिमाण है वो अब हम नॉर्मल बना रह सकता है मध्य पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्यों में, और जो सेंट्रल इंडिया है और इसके अलावा उत्तर पश्चिम का जो भारत है, जो उत्तर पश्चिम का भारत और जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है उसमें वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है। अब अगर हम बात करें एक मुख्य आयोजन की, भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने 150वें जन्मदिवस को शुरुआत मनाने की शुरुआत करने जा रहा है 15 जनवरी 2024 से। उसके उपलक्ष्य में दिल्ली में एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसके बारे में अपडेट्स जो है लगातार हमारे फेसबुक ट्विटर पेजेस पर साझा किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे भारत मौसम विज्ञान विभाग को जो विकास यात्रा है उसके संबंध में एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जो कि हमारी वेबसाइट mausam.imd.gov.in पर उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इससे संबंधित 150वीं जो हमारी वर्षगांठ है उसकी शुरुआत के लिए जो कार्यक्रम है उनके लगातार हमारी वेबसाइट mausam.imd.gov.in पर, इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी लगातार साझा कर रहे हैं। तो हमारे फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से आप लगातार जुड़े रहिए, हमारे 150वीं वर्षगांठ के जो कार्यक्रम उस पर हम अपडेट देते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए। और कल फिर हम हाजिर होंगे हमारी दैनिक मौसम परिचर्चा में, और उसके बाद अगले बृहस्पतिवार को हम साप्ताहिक परिचर्चा के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।